बीएनआई ग्रुप के वापी वलसाड तथा आसपास के विस्तारों से जुड़े उद्योगपतियों ने लॉकडाउन के दौरान भी खूब व्यापार किया तथा मंदी पर उनका कोई असर देखने को नहीं मिला। जिस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक रूप से धंधे तथा व्यापार में व्यापक नुकसान झेल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बीएनआई से जुड़े बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल से रेफरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इससे जुड़े व्यापारियों द्वारा कोई मंदी देखने को नहीं मिली। औद्योगिक विस्तार के वापी वलसाड, सरीगम, उमरगांव, संघ प्रदेश, दादरनगर हवेली तथा दमन के कुल 650 से ज्यादा व्यापारी बीएनआई से जुड़े हुए हैं। साथ ही इस साल 200 से ज्यादा नए उद्योगपतियों ने एक साथ जुड़कर बीएनआई फोर्ब्स के नाम के नए चैप्टर को लॉन्च कर विश्व भर में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान मार्च से लेकर 31 जुलाई तक 7400 से ज्यादा बिजनेस रेफरल कर नए व्यापारियों ने व्यापार कर बताया है। बता दें कि बीएनआई ग्रुप की स्थापना 1985 में की गई थी। 35वें वर्ष में आज बीएनआई ग्रुप के साथ देश विदेश के कुल 74 देशों से 2,75,000 से ज्यादा उद्योगपति शामिल हो चुके हैं। साथ ही वापी, सरीगांव, उमरगांव, वलसाड, सिलवास, दमन के व्यापारियों द्वारा 2018 में बीएनआई की शुरुआत की गई थी, जो कि मात्र 2 वर्ष में आज 650 से ज्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीएनआई से जुड़ चुके हैं। बीएनआई ग्रुप के अनुभवी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आयुष बंसल के नेतृत्व में विश्व में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर बीएनआई के सभी व्यापारी तथा ऑर्गेनाइजेशन का आभार प्रकट किया गया। नमस्कार, आज मैं बात करने वाला हूँ बीएनआई वापी वलसाड के बारे में। बीएनआई जी की दुनिया के सबसे बड़ा रेफरल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे बिजनेसमैन आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आज मैं वापी वलसाड बीएनआई के बारे में बात करूंगा, जो कि वापी वलसाड, सिलवासा, दमन, उमरगांव, सरीगांव विश्व में टियर 4 सिटीज के नाम पे गिना जाता है। उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया बीएनआई की दुनिया में, 74 देशों में और इंडिया के 86 सिटीज में ये परचम बीएनआई वापी वलसाड ने लड़ाया, विश्व का सबसे बड़ा ग्रुप खोल के। वो भी उस समय जब दुनिया में बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, जब लोग समझ नहीं पा रहे कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए और बिजनेस को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उस वक्त वापी वलसाड ने पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड बनाया। जी हाँ, दुनिया में बीएनआई के सीईओ, जो कि बीएनआई के सीईओ हैं ग्राहम वाइमिलर, ग्लोबल मार्केट के प्रेसिडेंट है मैक्स श्रीनिवासन, ये भी आ रहे हैं। इंडिया की 86 सिटी से लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस विश्व भव्य लॉन्च को देखने के लिए। वापी वलसाड इतना छोटा टियर 4 सिटी है, लेकिन दुनिया में परचम लहरा रहा है। इसका मतलब है वापी वलसाड की इकोनॉमी बीएनआई के थ्रू काफी तरफ बढ़ रही है। इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर ट्रेडर से लेकर दुकानदार से लेकर प्रोफेशनल्स, हर उद्यमकर्मी अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं अगर इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। और ऑलरेडी बीएनआई वापी वलसाड 2 साल से यहां पे बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। 650 से अधिक बिजनेस ओनर्स यहां पे अपना बिजनेस को एक दूसरे की सहायता से बढ़ा रहे हैं। वापी वलसाड वापस आज दुनिया के परचम पे है, वापस आज वर्ल्ड ग्रुप में है। इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती शेयरिंग के लिए। मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि इस प्लेटफॉर्म का फायदा अधिक से अधिक मात्रा में उठाइए और अपने बिजनेस को और एक सोसाइटी को और एक इकोनॉमी को जरूर से जरूर बढ़ाएं। बीएनआई में जुड़ने के लिए क्या मतलब क्या प्रक्रिया है? बीएनआई में जुड़ने के लिए आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने चाहिए, या आप एक ट्रेडर होने चाहिए, आप एक प्रोफेशनल होने चाहिए, आप कोई भी एक बिजनेस ओनर रिप्रेजेंट करने चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या आपको बिजनेस में बहुत सारे रेफरेंसेस मिले, अगर आप उसको हैंडल कर सकते हैं तो आप बीएनआई ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या कैसे मतलब कैसे बढ़ाया जाता है क्या बीएनआई में? हर हफ्ते अगर मैं वापी वलसाड की बात करूं, तो हर हफ्ते वापी वलसाड के 650 मेंबर्स हर हफ्ते मिलते हैं। पहले तो हम फिजिकली मिला करते थे, होटल्स में मिला करते थे, आजकल हम जूम पे मिलते हैं हर हफ्ते और एक दूसरे से बिजनेस करते हैं। और सबसे खूबसूरती की बात है, इसमें किसी भी प्रकार के कमीशन की लेन देन नहीं होती है। इसका मतलब है हम आपके एक दूसरे के बिजनेस को बढ़ावा करने की मदद करते हैं बिना कमीशन के, आदान प्रदान के।